ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर के आसपास का माहौल पिछले 1.5 सप्ताह से तनावपूर्ण बना हुआ है। जेएनयू मामले से शुरू हुई एसएफआई और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन कॉलेज कैंपस के आसपास हो रही लड़ाई झगड़ों से माहौल भी तनावपूर्ण बना हुआ है। दोनों छात्र संगठन एक दूसरे संगठन पर माहौल को खराब कर मारपीट करने का आरोप भी लगा रहे हैं। राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर के आसपास का माहौल पिछले 1.5 सप्ताह से तनावपूर्ण बना हुआ है। जेएनयू मामले से शुरू हुई एसएफआई और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन कॉलेज कैंपस के आसपास हो रही लड़ाई झगड़ों से माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। दोनों छात्र संगठन एक दूसरे संगठन पर माहौल को खराब कर मारपीट करने का आरोप लगा रहे हैं। राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर के लाइब्रेरी गेट और प्रवेश गेट के पास दो अलग अलग झड़पें हुई। इनमें करीब 4 छात्रों को चोटें भी आई हैं। पहले झगड़े में लाइब्रेरी गेट के पास दोनों संगठनों के कुछ कार्यकर्ता बीते दिनों सोशल मीडिया पर आपस में हुई टिप्पणियों के चलते आपस में झगड़ गए। इस दौरान 3 छात्र जख्मी हो गए। इनमें 2 छात्र एक संगठन से जबकि 1 छात्र दूसरे संगठन का शामिल है। वहीं दूसरे झगड़े में एक संगठन का कार्यकर्ता कॉलेज के कैंटीन गेट के पास था, तभी एक बाहरी युवक और उसमें झगड़ा हो गया। इसमें कॉलेज छात्र को चोटें आई हैं। इस मामले में भी छात्र ने पुलिस में शिकायत दी है। इस मामले में क्रॉस केस दर्ज कर लिया गया है, जबकि दूसरे मामले की छानबीन की जा रही है। कंप्लेंट आई आज कॉलेज में, जो है मोहित पठानिया नाम के व्यक्ति ने बताया कि उनके साथ मारपीट की कुछ लोगों ने, जो कि एसएफआई के आइडेंटिफाई किए गौरव और उसके साथ 10-11 लोग और थे। उसमें पुलिस ने FIR दर्ज किया और उसका मेडिकल कराया गया है। साथ ही साथ गौरव ने भी कंप्लेंट दी है कि उसके साथ मारपीट हो गई है, तो इसमें क्रॉस FIR हुई है और दोनों बच्चों का जो मेडिकल कराया गया है, आगे जाँच जारी है। सर, सुनने में आ रहा है कि ग्रिप का भी इस्तेमाल जो ऐसा बोल रहे हैं, अभी मेडिकल के बाद ये सब चीज़ें।